पूजा है हमारे साथ. पूजा, हालांकि आज ओपनिंग से पहले बहुत सारी खबरें हैं, फिर चाहे वो आईडीएफसी ग्रुप हो, श्रीराम ग्रुप हो, एविएशन शेयर्स हो, बैंकिंग स्टॉक्स ही क्यों ना हो, लेकिन प्रसाइज खबरें किन किन शेयर्स पर हैं? जी, प्रिसाइज खबरें आज. सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग की. आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग होने जा रही है. एक और एक फाइनेंस बैंक है जो कि जिसकी क्या लिस्टिंग हुई. इसके आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था. इसका जो आईपीओ था वो 53.6 टाइम सब्सक्राइब हुआ था. जो इश्यू प्राइस है वो 358 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है. तो देखना होगा कि आज किस तरह के रिस्पांस इसके लिस्टिंग को में देखने को मिलते हैं. कुछ और खबरों पर नजर डालें तो बायोकॉन, ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा. यहां पर खबर आ रही है कि फ्रेंच रेगुलेटर एएनएसएम बेंगलुरु इकाई की दोबारा जांच करेगी. एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी सर्टिफिकेट जो है वो देने के लिए इस फैसिलिटी की दोबारा से जांच की जाएगी. इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन, यहां पर एक इंपॉर्टेंट खबर निकलकर आ रही है. कर्ज कम करने के लिए बैंकर्स को कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म प्लान सौंपा है, जिसमें कि कंपनी अपने रियल एस्टेट और डीटीएच कारोबार को बेचने की योजना है. इस प्लान में कंपनी ने मेंशन किया कि वो आगे चलकर अपने रियल एस्टेट और डीटीएच कारोबार को बेचेगी. और उनका कहना है कि सितंबर तक जो कंपनी का टोटल कर्ज है उसमें 60% की कमी आएगी और दिसंबर तक जो कुल कर्ज है उसमें 80% की कमी आने का अनुमान है. तो इस तरह की रिपोर्ट सौंपी गई है बैंकर्स को. तो देखना होगा कि आज इस खबर के चलते इस स्टॉक में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है. गति, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है. स्नैपडील से वल्कन एक्सप्रेस खरीदने की योजना है. जो वल्कन एक्सप्रेस है ये स्नैपडील का एक लॉजिस्टिक कारोबार है और खबर निकल कर आ रही है कि गति इस कारोबार को खरीद सकती है. गति के अलावा दो और भी कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है, उनका नाम सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें कि टीवीएस लॉजिस्टिक्स भी एक प्लेयर है जो कि इस दौड़ में शामिल है. लेकिन अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि गति इस कारोबार को खरीद सकती है. केयर, यहां पर भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट. क्रिसल के बाद अब फिच का नाम सामने निकल कर आ रहा है जो कि केयर के कारोबार खरीद सकती है. आपको याद होगा कि इसके पहले क्रिसल ने कैनरा बैंक के स्टेक खरीदे थे केयर में, करीब 9% स्टेक खरीदा था. तो उससे एक न्यूज निकलकर आ रही थी कि शायद क्रिसल खरीद सकती है केयर को. लेकिन अब फिच का भी नाम सामने निकलकर आ रहा है और फिच की जो सब्सिडियरी है इंडिया रेटिंग्स, उसकी कुछ शेयरधारकों से बात भी हुई इस विषय पर. तो देखना होगा कि फिच और क्रिसल दोनों में से कौन केयर के कारोबार खरीदने की एक न्यूज निकलकर आती है. और आखिर में बात करते हैं SBI की. यहां पर होम लोन दरों में बैंक ने कटौती की है. 10 बेसिस पॉइंट की कटौती बैंक की तरफ से की गई है. जो 75 लाख से ऊपर के होम लोन है वहां पर ये कटौती की गई है. और ये जो नई दरें हैं वो 15 जून से लागू होगी. दरें आपको बता देते हैं, जो पहले 8.65% थी वो घटकर अब 8.55% हो गई है.